अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमायूं हारून जिन्नाह ग्रुप एलडी सिटी से। व्यूअर्स, इस टाइम मेरी जो करंट लोकेशन है ये हुंजा रोड का राउंड अबाउट है, 150 फीट रोड हुंजा रोड। तो व्यूअर्स, मेरी बैक साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुंजराब रोड है जो एलडीए सिटी का तमाम ब्लॉक्स का डिवाइडर है और ये डायरेक्टली फिरोजपुर रोड से कनेक्ट है। तो व्यूअर्स, मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि बी ब्लॉक है और बी ब्लॉक में तमाम कनाल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं और एक छोटा सा ब्लॉक है। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि सारा B1 ब्लॉक है और B1 ब्लॉक में अभी भी काम लोग कर रहे हैं। आपके सामने नज़र आ रहे होंगे लोग आपको कि बड़ी तेज़ी से B1 में काम चल रहा है। सिर्फ रोड कारपेटेड होने वाले रह गए थे तो उसके ऊपर भी मशीनरी लगी हुई है और रोड्स को कारपेट किया जा रहा है। B1 में एक छोटा सा ब्लॉक है, इसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स दिए गए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे B1 की अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो B1 CBD जो LDA का मेन CBD है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मेन CBD है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा है और इसको डायरेक्ट कनाल से भी एक्सेस हासिल है और खुंजराब रोड से भी और हुंजा रोड से भी। तो व्यूअर्स, अगर इसी तरह मैं आपको B1 की और बी ब्लॉक की मज़ीद डिटेल बताऊँ तो इसमें प्लॉट कैटेगरी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, बी ब्लॉक में 1 कनाल की कैटेगरी है और B1 ब्लॉक में 1 कनाल और 10 मरले की कैटेगरी है। और व्यूअर्स, इसी तरह अगर इसमें मज़ीद मैं आपको प्राइसेस के बारे में बताऊं तो इसमें 70 से लेकर 80 के दरमियान प्लॉट मिल जाता है। और व्यूअर्स, इसी तरह अगर B1 ब्लॉक की बात करें तो इसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और 10 मरला तकरीबन इस टाइम कोई 40 से 45 के दरमियान और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, वो तमाम 75 फीट रोड्स पे हैं तो वो तकरीबन कोई 85 से 90 के दरमियान प्लॉट मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि B1 में तो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें सीवरेज वगैरह रोड्स को कारपेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसको जल्द ही कम्प्लीट कर लिया जाएगा। और जो बी ब्लॉक है तो उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट का काम कम्प्लीट कर दिया गया है, सीवरेज वगैरह रोड्स वगैरह कंप्लीट हैं और इसको इंशाल्लाह 2 वीक्स में LDA की तरफ से पोजेशन भी दे दिया जाएगा जैसे कि LDA ने अनाउंसमेंट की है। तो व्यूअर्स, अभी पीछे ही LDA का इजलास हुआ था, उसमें DG LDA की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि B और ED ब्लॉक्स को पोजेशन दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह जल्द ही इस B ब्लॉक में पोजेशन दे दिया जाएगा। तो प्लॉट होल्डर्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिनको बी ब्लॉक में जिनके प्लॉट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ार किया है, तो इंशाल्लाह इस हवाले से इनको एक अच्छी खुशखबरी मिलने जा रही है। और इसी तरह जो B1 ब्लॉक है तो इसमें भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट कंप्लीट है, तो नेक्स्ट फेज जो होगा वो B1 ब्लॉक को भी उसमें पोजेशन दे दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, LDA सिटी में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और व्यूअर्स, यही टाइम है LDA सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो कम हैं, तो इसी टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले टाइम में फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अभी LDA सिटी में मुख्तलिफ ब्लॉकों में पोजेशन दिया जा रहा है। तो इसी हवाले से आज आपको अपडेट करना था डेवलपमेंट के हवाले से और कुछ पोजेशन के हवाले से। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि LDA सिटी में C ब्लॉक और F ब्लॉक को ऑलरेडी पोजेशन दे दिया गया है और इंशाल्लाह उसमें जल्द ही आपको कंस्ट्रक्शन भी शुरू होती हुई नज़र आएगी। तो इसी तरह बाकी ब्लॉक्स में भी पोजेशन LDA दे रहा है, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर अपडेट मिलती रहेगी। तो LDA सिटी में B ब्लॉक में, B1 ब्लॉक में और जिन्नाह सेक्टर के किसी भी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर रेट के ऊपर चीज़ लेकर दी जाएगी। और अगर आप कोई सेल भी करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह मार्केट से अच्छे रेट पर आपकी चीज़ सेल करवाई जाएगी। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बी ब्लॉक और B1 के बारे में कुछ डिटेल बताई है, तो चलते हैं आपको ऑन ग्राउंड रोड्स वगैरह का विज़िट करवाते हैं ताकि उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये हुंजा रोड का राउंड अबाउट है, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये 150 फीट रोड है और ये डायरेक्टली न्यू डिफेंस रोड से जाके कनेक्ट करेगा। और अभी ये जिन्नाह सेक्टर वाली साइड है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लेफ्ट साइड पे सारा बी ब्लॉक है, तो अभी हम इसके अंदर ही जा रहे हैं।
एक अच्छा ब्लॉक है और छोटा सा ब्लॉक है। अगर इसमें रोड नेटवर्क की बात करूँ तो इसमें सबसे छोटा रोड है वो 40 फीट है, और इसके इर्द गिर्द रोड्स की बात करूँ तो इसके एक साइड पे 150 फीट रोड हंजा रोड है, दूसरी साइड पे इसके 150 फीट नीलम रोड है, और एक साइड पे इसके 75 फीट रोड है। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम बी ब्लॉक में आ चुके हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बी ब्लॉक है, तो माशाल्लाह इसमें सारा काम तकरीबन कंप्लीट ही है, बस रोड्स को इसमें कारपेटेड करने वाला रह गए, तो इंशाल्लाह इसमें भी जल्द ही इसको कारपेट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मशीनरी भी अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है, तो काम तेज़ी से चल रहा है, तो इंशाल्लाह इसमें जैसे कि आपको बताया है पहले कि पोजेशन दिए देने LDA की तरफ से मिलने जा रहा है, तो इसी हवाले से आज आपको अपडेट करना था। तो ये आप देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह काफ़ी काम हो चुका है बी ब्लॉक में भी। ये 75 फीट रोड है जो सीधा कनाल रोड से आ रहा है, और ये इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ये प्लॉट्स हैं एक कनाल के, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। तो इस टाइम हम ये बी ब्लॉक के बिल्कुल कनाल के ऊपर जा रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें तेज़ी से काम चल रहा है। तो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा ब्लॉक था बी ब्लॉक LDA सिटी के जिन्नाह सेक्टर का, और इस टाइम हम आ गए हैं दोबारा पंजाब रोड के ऊपर, तो अभी हम जाएंगे B1 ब्लॉक में। तो व्यूअर्स, अभी आपको B1 ब्लॉक का भी विजिट करवाया जाएगा एक ड्राइव थ्रू के ज़रिए, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाता है ऑन ग्राउंड चीज़ों का कि इस टाइम क्या क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है ब्लॉक्स में। तो अभी हम B1 ब्लॉक में, तकरीबन B1 ब्लॉक में स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो ये B1 ब्लॉक की रोड शुरू हो चुकी है, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसको अभी कारपेटेड किया गया है। तो देखें, ये B1 ब्लॉक है माशाल्लाह, इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है, और इसमें प्लॉट्स की जो कैटेगरी है वो 10 मरला और एक कनाल की कैटेगरी है, तो जैसे कि आपको वीडियो में पहले बताया था। तो ये देखें, सामने मशीनरी भी लगी हुई है, रोड्स को कारपेट किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये तो जल्दी कारपेट हो जाएगा क्योंकि छोटा सा ब्लॉक है, और ये आपके सामने देख सकते हैं कि रोड्स को कारपेटेड किया जा रहा है। जी व्यूअर्स, ये 75 फीट रोड है B1 ब्लॉक का, और मेरे राइट साइड पे ये CBD है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये भी बन रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। और मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये सारा B1 ब्लॉक है, मशीनरी लगी हुई है, रोड्स को कारपेट किया जा रहा है। तो मेरे जो लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये सारे कनाल की कैटेगरी है, कनाल के प्लॉट्स हैं, और उसके आगे आगे जाए 10 मरला की कटिंग है सारी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम 150 फीट हंजा रोड पे तकरीबन आ चुके हैं, तो ये 150 फीट हंजा रोड है, और इसके दूसरी साइड पे सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में जैसे कि आप सही ऑलरेडी पोजेशन दे दिया गया है, तो इंशाल्लाह सी ब्लॉक में जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा विजिट था आपको जो दिखाया ऑन ग्राउंड चीज़ों के हवाले से। तो बी ब्लॉक में और B1 ब्लॉक में अगर कमर्शियल और पार्क्स की बात करें, तो B1 के साथ एक बड़ा CBD कमर्शियल दिया गया है, और
बी ब्लॉक में एक पार्क दिया गया है और बाकी अभी कमर्शियल के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि जो सेक्टर कमर्शियल्स हैं वो अभी जो दूसरे ब्लॉक्स हैं जैसे ई ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इनके इन पर ज़्यादा काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह जब इन पर भी कोई काम होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।